हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र यादव। आप देख रहे हैं फिजिक्स फॉर्मेशन। मैं बता देता हूँ, इस चैनल में आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की फिजिक्स पढ़ेंगे। अगर आपने क्लास 8 तक बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है, आपको फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से फिजिक्स आने लगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, गति। ठीक है, मोशन पे हम आज बात करेंगे, उसका लेक्चर नंबर 1 है आज। क्लियर? देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि मोशन होता क्या है, गति क्या होती है, गति को दर्शाने के लिए, गति को बताने के लिए हमें कम से कम एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, एक एग्जांपल से समझेंगे हम। ठीक है, तो ये गति, अगर हम आपसे कहें कि तीन लोग हैं अपने पास, क्या कहें बच्चों, अपने पास तीन लोग हैं, कौन कौन से हैं? एक है अपने गजोधर भाई, एक है अपने मनोहर भाई, एक है अपने धरोहर भाई। नाम अच्छे अच्छे ठीक है। हम आपसे कहें कि जो गजोधर है, गजोधर का लड़के का नाम है, ये इसका पुत्र है कौन, मनोहर। ये भाई, ये कौन है, इसका पुत्र है मनोहर, और मनोहर का जो पुत्र है वो कौन है, धरोहर। यानी कि इसका इससे रिलेशनशिप क्या है, इसका कौन है, पोता है, या इसका बोले तो कौन है, दादा है। ये रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, समझा रहा हूं कैसे। अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि मनोहर पिता है कि पुत्र है, तो आप क्या बताएंगे, अरे सर क्या पूछ लिया, ये तो दो, इसका तो पुत्र है लेकिन इसका क्या है, पिता है। इसका मतलब मैं ये समझ में आया कि हमें कम से कम एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गजोधर का मनोहर कौन है, तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कौन है, पुत्र है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गजोधर का धरोहर कौन है, तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कौन है, होता है। बच्चा समझ में आया, मतलब कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेफिनेशन गति की हम कैसे देते हैं, गति की परिभाषा हम कैसे लिखते हैं बच्चों, कहते हैं कि अगर किसी वस्तु में समय के साथ उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, क्या कहते हैं बच्चों, समय के साथ किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो तो उसे हम गति में कहते हैं। कैसे, जैसे हम मार्कर से लिख रहे हैं, एक समय में हमारा मार्कर यहां है, देखो समय के साथ हमारा मार्कर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा हाथ किसमें था, गति में। बच्चों समझ में आया, समय के साथ हमारी अवस्था क्या हो रही थी बच्चों, चेंज हो रही थी। क्लियर है? अब गतियां बहुत प्रकार की होती है, जैसे एक सरल रेखा में भी गति होती है, दोलक हमने घड़ी का देखा है, दोलन गति होती है, घूर्णन गति होती है, बहुत सारी गतियां हैं, एक एक क्रम पढ़ेंगे आसानी से। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हमें साक्ष्य नहीं मिलते। जैसे हम आपसे अगर बात करें, क्या हवा को चलते हुए देखा है आपने, हवा को चलते हुए देखा है, नहीं देखा, क्या साक्ष्य है कि हवा चलती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पेड़ की पत्तियों को हिलते हुए देखा है, देखा है बच्चों, हवा में धूलों को, धूल के कणों को उड़ते हुए देखा है, पॉलीथिन को उड़ते हुए देखा है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई कोई तो ऐसी ऑब्जेक्ट है, कुछ तो ऐसा है जो गतिमान है, जिसके कारण ये हवा के कण उड़ रहे हैं। बच्चों समझ में है, क्लियर है? और जैसे हम आपसे बात करें कि अपनी धरती है, पृथ्वी है, गतिमान है कि स्थिर है, आप क्या बताएंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। देख एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बस है, क्या बच्चों, एक बस है, बस में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, दो व्यक्ति बैठे हैं बच्चों, ठीक है, दो व्यक्ति बैठे हैं, बस चल पड़ी, एक स्टॉप पे बैठे और बस चल पड़ी। बच्चों क्या हुआ, जैसे ही बस चल पड़ी तो एक बंदे ने बाहर देखा तो बस चल रही है, स्टेशन को छोड़ दिया बस स्टॉप को, वो आगे बढ़ गई है बस। लेकिन जब उसने अपने सामने बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा तो उसमें तो कोई मोमेंट नहीं है, वो तो बिल्कुल जैसे बैठा वैसे ही बैठा है,
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर हम कहें कि उस व्यक्ति का खुद के सापेक्ष गति में है या फिर स्थिर अवस्था में है, तो वो कहेगा खुद स्थिर अवस्था में। क्यों? क्योंकि जो सापेक्ष वाला पॉइंट ले रहे हैं उसके सापेक्ष उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बाहर का कोई पॉइंट ले लें, उसके सापेक्ष बस मूव कर रही है, बस आगे जा रही है, इसका मतलब है कि बस में गति हो रही है और वो व्यक्ति गतिमान अवस्था में है। उसी प्रकार हम सारे धरती के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, स्थिर अवस्था में है यार, सारे स्थिर अवस्था में है। कैसे? बस के अंदर बैठे हैं ना हम, तो समझ में आया बच्चों, क्लियर है? धरती पे मौसम क्यों बदलते हैं, दिन और रात क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी क्या हो रही है बच्चों, अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फील हो रहा है? क्योंकि बस के अंदर बैठे हुए दो व्यक्तियों को कभी अपनी गति फील, उनको एक दूसरे क्या लगते हैं, स्थिर अवस्था। बच्चों समझ में आया? आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं, पहले गति तो समझ में आ गई। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्लियर। अभी हम गति पे बात कर चुके, अभी हम आगे बात करते हैं कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, फिर बात करेंगे एक समान गति क्या होती है, क्लियर। अब हम अगर आपसे पूछें दूरी क्या है बच्चों, हम आपसे पूछें दूरी क्या है, दूरी की डेफिनेशन क्या है, आपके बोर्ड में हो सकता है पूछ लिया जाए, एक मार्क्स में, दो मार्क्स में पूछ सकते हैं दूरी क्या है, दूरी की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों हम दूरी की परिभाषा लिखेंगे, किसी भी वस्तु या व्यक्ति द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल लंबाई, दूरी तो पूछ ही रहा है, कुल लंबाई क्या कहलाती बच्चों, दूरी कहलाती। यानी कि आप अगर अपने घर से निकले और आपका स्कूल इधर है, ये क्या है आपका घर है, ये आपका क्या है स्कूल है, आप अगर घर से निकले और स्कूल जाने का रास्ता है इधर से होते हुए इधर, सीधा कोई रास्ता नहीं है, आपका रास्ता इधर है, तो आप क्या करेंगे, इधर से होते हुए जाएंगे। मान के चलिए ये डिस्टेंस टोटल है 4 किलोमीटर और इसका डायरेक्ट अगर जाए आप तो ये है 3 किलोमीटर। बच्चों तो दूरी क्या होती है, जो आपने इस बिंदु से यानी कि घर से यहां तक जाने में जितनी लंबाई चली है, यही क्या होती है बच्चों, दूरी कहलाती है। बच्चों समझ में आ गया? अब इसके आगे अगर हम बात करें कि विस्थापन क्या होता है, क्या बात करें बच्चों, विस्थापन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, जो कितना आसान है, विस्थापन ये होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, क्या होता है बच्चों, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। यानी कि अगर आप यहां से यहां ना जाकर आप अगर सीधा चले जाते, ये दूरी तय करते, इसको कहेंगे विस्थापन। बच्चों क्या कहेंगे इसको, विस्थापन। यानी कि आपका उस समय विस्थापन कितना होता बच्चों, 3 किलोमीटर। मिनिमम दूरी जितनी आप तय करें, मिनिमम लंबाई तय करें, वही होता है विस्थापन। बच्चों क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? आप ये भी तो कर सकते हैं, यहां से जाकर इधर से घूम के वापस आ जाए। अगर आप जिस पॉइंट से चले थे वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो फिर आपका विस्थापन शून्य होता है। बच्चों समझ में, विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन क्या दूरी कभी शून्य हो सकती है? नहीं, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, दूरी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सब हो सकता है। हो सकता कौन? विस्थापन। बच्चों समझ में आ गया, दूरी विस्थापन क्लियर है। अब हम बात करेंगे एक समान चाल की। बच्चों किसकी बात करेंगे? एक समान चाल की। जो हम बहुत कम समय में आपको बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चे समझ में आया? जो चीज मेन मेन है उन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, जो
फालतू की चीजें दी हुई है, जस्ट उनको टच करके वापस चलेंगे। ठीक है, आपको कम समय में अच्छे से तैयारी कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अब बात करें अगर एक समान चाल, एक समान चाल, उससे पहले चाल क्या होती है? एक समान चाल तो हमने लिख दिया, चाल क्या है? चाल पता है हमें? नहीं पता है। पहले हम चाल के बारे में बात करते हैं। ये पढ़ने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा चाल क्या होती है। बच्चा, चाल का फार्मूला अगर हमें याद है तो डेफिनेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अगर हमें डेफिनेशन याद है तो हम फार्मूला बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? एक बार आपको दोनों तरीके से बताते हैं कैसे। देखो, हमें अगर फार्मूला याद है, चाल बराबर दूरी बटे समय। बच्चों, अगर चाल बराबर दूरी बटे समय हमें याद है तो हम क्या करते हैं, जो हर में लिखा होता है उसको हम हमेशा एक के बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं? एक के बराबर। और उसको बोलते कैसे हैं? एकांक समय। क्या बोलते हैं बच्चों? एकांक समय। यानी कि हम डेफिनेशन कैसे करेंगे? एकांक समय में, बच्चों क्या बोलेंगे? एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती बच्चों? चाल कहलाती। फिर से बोलो, एकांक समय में, लिख देता हूं, एकांक समय में या इकाई समय में, इकाई समय को क्या कर दी बच्चों? एक समय में चली गई कुल दूरी चाल कहलाती है। बच्चों समझ में आ गया? क्या कर रहे हैं हम? चाल बराबर दूरी बटे समय हमें आता है, हम समय को एक के बराबर कर दिए हैं और फॉर्मूला बता दिए हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती। अगर हमें यह नहीं आता, वो आता है, तो हम कैसे लिखेंगे? हमें आता है कि एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। हम बता देंगे कि समय को हमेशा एक करना है, यानी कि उसको हर में रखना है, नीचे रखना है उसको, तो हम क्या लिखेंगे? एकांक समय में, यानी कि समय को नीचे कर दिया और ऊपर लिख दिया चली गई दूरी। ऊपर क्या लिख दिया बच्चों? दूरी किसके बराबर है? चाल के बराबर है। बच्चों क्लियर है? हमने अभी आपको चाल बता दिया है, चाल बता दिया हमने। अभी आगे आएगा जैसे वेग आएगा, त्वरण आएगा, तो फार्मूला मैं बताऊंगा, आप डेफिनेशन खुद से बनाएंगे। बच्चों समझ में आया? क्लियर। अब हम अगर आपसे बात करें कि चाल आपकी क्या हमेशा समान हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? आप चलेंगे, रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां आएंगी, बहुत सारे वाहन, ट्रैफिक मिलेगा आपको, रोड खराब मिलेगी आपको, ब्रेकर मिलेंगे, तो क्या होगा? आप तेज चलेंगे, फिर धीरे चलेंगे, फिर तेज, कहीं 40 की रफ्तार, कहीं 50, कहीं 60, कभी 30, कभी 20, कभी हो सकता है रुकना भी पड़े, रेड सिग्नल। बच्चों समझ में आया? तो क्या हो सकता है? चाल हमेशा एक समान नहीं हो सकती। अगर हम पूछे आपसे कि एक समान चाल की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? देखते हैं। बच्चों एक समान चाल क्या होता है? अगर समान समयांतरालों में, अगर समान समयांतरालों में, समयांतरालों का मतलब समान समय के भागों में आपने समान दूरी तय करी हो, तो इसका मतलब है आपने एक समान चाल से अपनी दूरी तय की है। कैसे? देखते हैं। अगर हम आपसे बोलें कि आपने एक मिनट में 20 मीटर चला, आप कितने मीटर चले? आप 20 मीटर चले एक मिनट में। फिर जो अगला मिनट आया उसमें भी आप कितना चले बच्चों? 20 मीटर। फिर जब अगला मिनट आया तो आप कितना चले? 20 मीटर। फिर जब अगला एक मिनट आया तो आप कितना चले बच्चों? 20 मीटर। यानी कि आप हर एक मिनट में कितनी दूरी तय कर रहे हैं? 20 मीटर। इसका मतलब है आपने जितने पे अपनी गाड़ी सेट कर ली है उतने पे ही आप चलते चले जा रहे हैं। बच्चों समझ में आया? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आप अगर समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करते हैं, इसका मतलब है आप समान चाल से चल रहे हैं। लिख दो आप, समान समयांतरालों में, समयांतरालों में समान दूरी तय करना, दूरी तय करना क्या कहलाता बच्चों? एक समान चाल कहलाता है। लेकिन आप हमेशा एक समान चाल से नहीं चल सकते। इसके लिए हमने एक क्या किया, असमान चाल की डेफिनेशन लिख दी। क्या क्या बच्चों? असमान चाल की डेफिनेशन लिख दी।
इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल इसी का अपोजिट, यानी कि हम समान समय अंतरालों में समान दूरी तय नहीं कर रहे। बच्चों और कुछ बताने की जरूरत है इस पर? नहीं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जब हम असमान चाल से ही ज्यादातर चल रहे हैं, आप मान के चलो आप घर से अपने निकले, आप अपने स्कूल पहुंचे 30 मिनट में। बच्चों एक उदाहरण से देखते हैं क्या है, आप अपने घर से निकले, ये आपका घर हुआ, ये आपका स्कूल हुआ, आप इधर से निकले थे, इधर से होते हुए इधर पहुंचे आप स्कूल, ठीक। आपसे अगर पूछा यहां जैसे ही आप पहुंचे, मैंने आपसे पूछा आप किस चाल से हैं, ये आपकी दूरी टोटल हुई 4 किलोमीटर। कितनी हुई बच्चों? 4 किलोमीटर। मैं आपसे पूछा कि आप कितनी चाल से चलकर यहां आए हैं, आप मान के चलिए यहां पहुंच गए 20 मिनट में। कितने में? साइकिल से जा रहे थे, आप पहुंचे 20 मिनट में। मैं आपसे पूछा आप कितनी चाल से चलकर आए, तो आप तो कंफ्यूज हो गए यार कि यार पहले तो मैं यार हो सकता है 25 किलोमीटर चल रहा होऊंगा, फिर धीरे हुआ थोड़ा 15 भी कहीं चला, 20 भी कहीं चला था मैं। अब बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि मैं कितनी बताऊं इनको, मैं तो सारी चालें चल के आया हूं, कभी 17 भी चला, कभी 25 भी चला, कभी 28 भी चला, तो मैं कितनी बता दूं सामने वाले को। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक औसत चाल निकालेंगे। बच्चों क्या निकालेंगे? औसत चाल। बच्चों समझ में आया औसत चाल क्यों हमें जरूरत पड़ी इसकी? औसत चाल जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि हम समान चाल से चल ही नहीं पा रहे हैं, हमें चाल बताने के लिए हमें औसत चाल की जरूरत पड़ेगी। बच्चों समझ में आ रहा है ना? अब औसत चाल हमें अगर निकालना है तो हमें यह पता होना चाहिए औसत चाल निकालते कैसे हैं, तभी तो आप बता पाओगे कि हम भाई किस चाल से चल कर आ रहे हैं। औसत चाल निकालने के लिए हमने क्या किया, औसत चाल की डेफिनेशन निकाल दी कि जितनी दूरी तुमने तय करी है, जितनी दूरी तुमने तय की है कुल दूरी बटे जितना तुमने टाइम लिया है, यानी कि कुल समय। कुल दूरी तय करने में जितना आपने टाइम लिया है उससे अगर डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाता है बच्चों? औसत चाल। यानी कि आप अगर यहां पर क्या करें, कुल दूरी आपने बच्चों कितनी तय करी है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर को अगर आप 20 मिनट से भाग दे दें तो आपको पता चल जाएगा कि औसत चाल कितनी थी हमारी, किस चाल से हम चलकर आ गए हैं इधर। बच्चों दो भाग कितना होगा? 20 मिनट। मिनट को हम क्या करते हैं, अगर किलोमीटर में दिया है तो सिंपल हम किस में चेंज कर लेंगे, घंटे में, या उसको किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में, इसको सेकंड में, क्लियर? मीटर पर सेकंड या तो लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करें इसको, घंटे में चेंज करें, 60 से डिवाइड, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 कहां चला जाएगा बच्चों? ऊपर। कैसे जाता? अच्छा ये कंफ्यूजन बहुत रहता है कि ये इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, होता है ना कंफ्यूजन, आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, बताता हूं। इधर देखो पहले बच्चों क्या होता है, अगर लिखा हो 1/2/3/4 ऐसे लिखा हो तो आप बड़ी आसानी से कह देते हो कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2/4 बड़ी आसानी से बता दोगे। लेकिन अगर मैं लिख दूं 1/2/3 आप कंफ्यूज कि 3 2 के पास जाएगा कि 3 1 के पास जाएगा। इसके लिए हम करते क्या है, बड़ी आसान भाषा में आपको बता रहा हूं, ये कभी ऐसा नहीं लिखा मिलेगा। कैसे लिखा मिलेगा आपको? या तो लिखा मिलेगा 1/2/3 ऐसे लिखा मिलेगा, या फिर लिखा मिलेगा 1/2/3 ऐसे लिखा मिलेगा। इससे हमें यह पता चलता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो अकेला है या फिर वो भी भिन्न में है। देखो बच्चे यहां पे क्या है, वो अकेला आया हुआ है, इसका मतलब जो हम एक लगाएंगे वो इस एक के नीचे एक लगाएंगे, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, अभी मिटा दूंगा, 1/1/2/3 ये ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो तुम्हें समझ में आ गया, ये 3 कहा जाएगा बच्चों? ऊपर, 3/2। बच्चों समझ में आ गया। इधर क्या है, देखो बड़ा बटा कहां लगा हुआ है, यहां पे, यानी कि नीचे वाला अकेले आया हुआ है, अब इसके नीचे एक लगा देंगे, अब बड़ी आसानी समझ में आ गया, 1/2 एक ऊपर चला जाएगा, 1/3 1/6। बच्चों समझ में आया ना कैसे करते हैं, बड़ा आसान है,
अगर ऊपर वाला अकेला आया हुआ है तो ऊपर वाले के नीचे एक लगा दो, अगर नीचे वाला अकेला आया हो तो नीचे वाले बाकी भिन्न पलट दो नीचे वाली। क्लियर है ना? बिल्कुल आसान। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, हमने क्या देखा, ने क्या किया, उसको घंटे में चेंज कर लिया। अब ये 60 कहां चला जाएगा बच्चों? देखो ये वाला बड़ा बटा है, इसके नीचे आया हुआ है, इसके नीचे क्या लिख लेंगे, एक। पलट दो भिन्न, कैसे हो जाएगा, 4/1 × 60/20। 20 क्या, यानी कि आप 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर आए हुए हैं। कितने, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से आप अपने घर से निकलकर स्कूल पहुंच गए। वो जो समझ में आया कैसे कर रहे हैं, औसत चाल कैसे निकाल रहे हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। वो जो कितना आसान है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। अगर वही रिप्लाई देने वाला होगा तो मैं उसी जगह आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, ये डिफिनेशन है, छोटी छोटी दो दो नंबर में पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए इनको इग्नोर नहीं करना है। दिशा के साथ चाल, देखो बच्चों, अगर चाल के साथ दिशा लगा दी जाए, बच्चों क्या कर दी जाए, चाल के साथ दिशा भी बता दी जाए तो उसे वेग कहते हैं। बच्चों क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। यदि हम लिखेंगे, यदि हम चाल के साथ वेग जोड़ देते हैं तो उससे वेग कहते हैं, सॉरी चाल के साथ दिशा जोड़ देते हैं, वेग तो कहते हैं, दिशा जोड़ देते हैं तो उसे वेग कहते हैं। तो समझ में आया? अब देखो, चाल बराबर, हमने वहां पे पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़ा था ना। अब इधर क्या कर रहे हैं, दिशा के साथ, दूरी के साथ दिशा भी जोड़ दे रहे हैं, यानी कि इस बार हम विस्थापन लिखेंगे, दूरी नहीं लिखेंगे, विस्थापन। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि दूरी में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन विस्थापन में दिशा की जरूरत पड़ती है। विस्थापन भी क्या है, दूरी ही तो है, दूरी ही तो है। क्या विस्थापन कभी दूरी के बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है, हो सकता है, अगर आप सीधा सीधा गए हो तो। क्लियर? ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, क्या होता है बच्चों, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। आपकी डेफिनेशन अगर मैं पूछूं वेग की डेफिनेशन, आप क्या बताएंगे? तो एक तो मैंने लिख दिया कि चाल के साथ दिशा को जोड़ देने से हमें वेग की प्राप्ति हो जाती है, पहला तो मैंने लिख दिया। दूसरा, अगर हम आपसे पूछें कि सूत्र से आप हमें वेग की डेफिनेशन बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? अभी हमने चाल से बताया था डेफिनेशन, कैसे, नीचे वाले को एक के बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, इकाई समय में, क्या हो जाएगा बच्चों, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, क्या हो जाएगा बच्चों, वेग हो जाएगा। कितना आसान है, क्लियर, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अबे बच्चों ये सोचो, क्या वेग कभी जीरो हो सकता है? हो सकता है भाई, क्यों हो सकता है, क्योंकि विस्थापन तो जीरो हो सकता है। विस्थापन जब जीरो हो सकता है तो वेग क्यों नहीं? बच्चों वेग कब जीरो होगा, जब विस्थापन शून्य हो, तो वेग अपने आप जीरो हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया, लिख देंगे वेग शून्य हो सकता, शून्य भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? ओके, अब अगर हम बात करें आपसे औसत वेग की, बच्चों किसकी बात करें, औसत वेग की, देखो औसत वेग कैसे निकालेंगे बच्चों, जैसे औसत चाल निकालते हैं, औसत चाल कैसे निकालते हैं, औसत चाल बच्चों कैसे निकालते हैं, औसत वेग बराबर, औसत चाल कैसे निकालते हैं, औसत चाल एक बार लिखो, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो लिखे थे बच्चों,
जितनी उसने दूरी तय करी हो उसके कुल समय से भाग दे दो, क्या निकल जाता है बच्चों? औसत चाल। सेम वैसे ही निकालते हैं औसत वेग, कैसे? कुल विस्थापन बटे कुल समय। बच्चों समझ में आ रहा? बहुत आसान है। अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पे इनका सारा यूज करेंगे, आपको बड़ी आसानी समझ में आएगा कैसे हम क्या कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? औसत वेग कैसे निकालेंगे? जैसे औसत चाल निकालते थे। लेकिन इसमें एक पॉइंट और बढ़ जाता है। वो पॉइंट कौन सा है बच्चों? अगर वेग एक समान रूप से बढ़ रहा हो, क्या हो रहा बच्चों? अगर वेग एक समान रूप से बढ़ रहा हो तो फिर औसत वेग क्या होगा? उसके लिए अलग फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। यदि वेग बच्चों, यदि वेग एक समान रूप से बढ़ रहा हो तो फिर औसत वेग क्या होगा? बच्चों उसके लिए एक फार्मूला है। औसत वेग होता है बच्चों प्रारंभिक वेग, जितने वेग से उसने शुरू किया था, प्लस अंतिम वेग, जितने वेग पे वो खत्म हुआ है, बटे दो। बच्चों याद करो, जब हम मैथ में हम माध्य निकालते हैं, माध्य निकाला है कभी? ऐसे ही निकालते हैं सेम, वैसे ही हम क्या निकालेंगे बच्चों? औसत वेग। क्या होता है बच्चों? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे दो। कुछ समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक। अगर प्रारंभिक वेग को यू से लिखे और अंतिम वेग को वी से, तो यू प्लस वी बटे दो। न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे इनका भी, आपको एक उदाहरण से भी समझाते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा इसकी वो क्या होता है, इसका यूनिट क्या होती है, इसकी मात्रक क्या होता है? जो बच्चों वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है? दूरी ही तो है, लंबाई ही तो है। दूरी के मात्र क्या होता है? मीटर पर। समय का मात्र क्या होता है? सेकंड, मीटर पर सेकंड। या फिर स्कोर क्या लिख सकते हैं? किलोमीटर पर आर। बच्चों समझ में आ गया? इसी प्रकार इसका भी क्या होगा? सेम ही तो होगा भाई, क्या है? दोनों वेग ही तो है, वेग वेग जुड़ रहे, तो क्या होगा? वेग ही होगा बटे दो। सेम वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। अब हम आपसे अगर पूछें कि किस अवस्था में वेग का मान, किस अवस्था में वेग का मान, बहुत ज्यादा पूछा जाता है सवाल, किस अवस्था में वेग का मान चाल के बराबर हो जाएगा, वेग का मान चाल के बराबर हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि जिस टाइम पर दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो जाए। बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जब दूरी विस्थापन के बराबर हो जाती है तो वेग का मान चाल के बराबर हो जाता है। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप घर से निकले, आपकी कार है, कार में जो मीटर लगा होता है उसे हम ओडोमीटर बोलते हैं, ठीक है? ओडोमीटर एक कार में आपकी लगा है, आप जब घर से निकले तो आपको दिखाता है 2000 किलोमीटर। क्वेश्चन लिखते हैं, एक आपकी कार जब घर से निकले तो दिखाता है 2000 किलोमीटर, दिखाता है 2000 किलोमीटर क्या बच्चों? दिखाता है। उसके बाद जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे, डेस्टिनेशन पे वो आपको 2400 किलोमीटर दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर। बच्चों जब 2400 किलोमीटर दिखा रहा है और आपको टोटल 8 घंटे लगे, 8 घंटे समय लगा, तो आपसे पूछेगा आप औसत चाल बताइए। क्या बच्चों पूछेगा? औसत चाल बताइए। तो आप क्या करेंगे? बहुत आसान है, हमें सबसे पहले चाल बराबर, हमें फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम लगा देते हैं कि दूरी बच्चों कितनी हमने तय करी, जब घर से निकले थे 2000 पे था, जब हम पहुंच गए तो 2400 पे था, तो दूरी कितनी हुई बच्चों? 2400 माइनस 2000 यानी कि कितनी बच्चों? 400। क्लियर? जब 400 किलोमीटर हमने दूरी तय करी उसमें समय कितना लगा? समय लगा बच्चों 8 घंटे। हमें पता है क्या? चाल बराबर दूरी बटे
समय, जो भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें लिखेंगे सूत्र से, यानी कि जो एग्जामिनर हो सामने जो आपकी कॉपी चेक कर रहा हो उसको ये ना खोजना पड़े ये अगला स्टेप कैसे किया। समझ में आया? जब ये नहीं ढूंढना पड़ेगा तो वो फटाफट नंबर देके आगे बढ़ता जाएगा, उसका दिमाग खराब नहीं होगा। क्लियर बच्चों? चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या हुआ दूरी कितनी बच्चों 400 किलोमीटर, बचे समय कितना लगा बच्चों 8×5=40, यानी कि 50 किलोमीटर पर आर। बढ़िया चाल से चल कर आया, वो समझ में आया उस चाल कैसे निकालते, कोई डाउट? ठीक है आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन की दर हो रही हो तो औसत वेग कैसे निकालते हैं, क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे त्वरण कैसे, त्वरण क्या है, डेफिनेशन कैसी है उसकी, एक समान त्वरण असमान त्वरण अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे हम कि समय के जो ग्राफ बनते हैं, विस्थापन समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, सारे जो ग्राफ हैं इनसे हमारा फायदा क्या है। क्लियर बच्चों? ये समय सारे ग्राफ बनाना पहले सीखेंगे हम, कैसे ग्राफ बनाते हैं बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आपको, बिल्कुल 100% गारंटी है कि आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा। क्लियर? अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।